क्या बनाए? सूप बनाए? मॉनसून का टाइम है, थुक्पा बनाते हैं। तो जी नमस्कार, मैं उन्हें यहां खड़े हो गए नहीं पीछे खड़े हो गए। तो जी नमस्कार, मैं रणवीर ब्रार और बनाते हैं मस्त स्पाइसी मॉनसून में एकदम शरीर साफ कर देने वाला थुक्पा। शुरू करो भाई, शुरू करो। ये नूडल किसने रख दी? किसको पता था कि मैं थुक्पा बनाने वाला हूं? इतनी एक्टिंग करी मैंने और लास्ट में देखो सारी पोल यहां खुल गई। बाय गॉड। देखो जी, थुक्पा जो है ना, नाम बड़ा फनी है लेकिन इसका मतलब बहुत सिंपल है और मतलब में ही डिश का नाम। इसका मतलब है नूडल सूप। थुक्पा इज अ नूडल सूप। या तो आप ये यूज कर सकते हैं नूडल, ड्राई एग नूडल जो हम बचपन से खाते आ रहे हैं, ठीक है। कायदे से थुक्पे में, पंजाबी इन्हें निकल गई ना सारी थुक्पे में, कायदे से थुक्पा में जो वेरिएशंस होते हैं अलग अलग, वो नूडल बेस ही होते हैं। कई जगह पे फ्लैट नूडल डाल दिए जाते हैं, कई जगह पे नौकी की तरह डंपलिंग डाल दिए जाते हैं, कई जगह पे वॉन्टॉन डाल देते हैं। जैसे एक थुक्पा का वर्जन मुझे हमेशा याद रहा जो मैंने लद्दाख में खाया एक मॉनेस्ट्री में, जिसका नाम था चुतई, यानी कि गधे के कान। तो गधे के कान जैसे बड़े बड़े उसमें डंपलिंग्स थे, बाकी वेजिटेबल्स थी, ब्रॉथ थी। तो इस तरह अलग अलग ब्रॉथ्स होते हैं। मैं आपको रेडीमेड नूडल वाला भी वर्जन दिखाऊंगा और एक झटपट अगर आप बनाना चाहें तो वो वाला वर्जन भी दिखाऊंगा। पहले आटा गूंद के रख लेते हैं, ठीक है। नूडल का आटा, नमक, पानी, डो जो है कोशिश करेंगे कि जितना टाइट हम रख सकें उतना टाइट रखेंगे और डो में कोई अतरंगी पना करने की कोशिश भी न करें। बिकॉज क्या है ना, टिबेटन खाना जो है उसकी ब्यूटी, उसकी सिंप्लिसिटी, उसकी सादगी होती है, राइट। तो इसलिए उसे कॉम्प्लिकेट ना करें। ये लो जी, एक टाइट सा डो बन गया है ना, हल्का सा पानी का छींटा सिर्फ उसको इकट्ठा करने के लिए। अगर आप चाहें तो इसके अंदर 20-30% मैदा डाल लें बाइंडिंग के लिए। ऑयल, वेरी लिटिल। जब आप आटा गूंधने के बाद ऑयल डालते हैं तो उससे मखमलीपन आता है, और आटा गूंधने से पहले ऑयल डालते हैं तो उससे खस्तापन आता है। आटा है इसलिए उसको दबा रहा हूँ, मैदा है तो उसको खींचता। आटे को ऐसे हमेशा दबाया जाता है क्योंकि उसमें फाइबर होता है ना, मैदे में लचीलापन लाने के लिए उसको खींचा जाता है। बाकी ढल जाएगा, ढल के अपने आप जो थोड़ा बहुत मच्योर होना है वो हो जाएगा। अगेन, थुक्पा जो है वो अलग अलग जगहों पे अलग अलग तरीके से बनता है। तिब्बत में तो कम्प्लीटली डिफरेंट होता है, लेकिन उसका सिक्किमीज वर्जन और नेपाली वर्जन जो है वो अच्छा होता है, इंटरेस्टिंग होता है, स्पाइसी होता है। तो हम वो सिक्किमीज वर्जन बना रहे हैं। दिल्ली में सिक्किम हाउस है, वहाँ पर मैं जब काम करता था तो वहाँ पर खाने जाता था, क्योंकि एक तो थुक्पा बड़ा सस्ता था, दूसरा पैसे कम होते थे, तीसरा 3-4 लोग हम लोग शेयर कर लेते थे। तो इसलिए वो सिक्किमीज थुक्पा का जो टेस्ट है वो मेरी ज़ुबान पर बैठा हुआ है, तो वही वाला बना रहे हैं, ठीक है जी। उसके लिए पेस्ट बनता है, जो पेस्ट है उसका सामान इकट्ठा कर लेते हैं। हाँ, अगर तिमूर है आपके पास, तिमूर यानी कि सेचुआन पेपरकॉर्न, नेपाली पेपर या सेचुआन पेपरकॉर्न या पहाड़ी पेपरकॉर्न, तो आप वो डाल सकते हैं। उससे एक अच्छा इंटरेस्टिंग टेस्ट और डेप्थ आता है। अगर नहीं है तो डोंट वरी, 2-4 दाने काली मिर्च के डाल दीजिए, वैसा नहीं होगा लेकिन अच्छा हो जाएगा। नमक, तेल कौन सा? कायदे से सेसमी ऑयल, तिल का तेल, नहीं तो कोई भी चलेगा। बहाना नहीं चाहते ना हम ये कि भाई रणवीर हम नहीं बनाएंगे, सेसमी ऑयल नहीं है। आपको पता है, आप लोग अक्सर मुझसे पूछते हैं कि रणवीर ये पीसता कौन है? हैं? तो जी ये पीसते आप ही हैं, जब आपको दिया तो आप ही पीस के देते हैं ना। थैंक यू। बारीक पेस्ट करिएगा। खाने के साथ में अगर थोड़ा बहुत मनोरंजन, हंसी ठहाका ना हो तो फिर तो खाना सजा हो गई ना।
खाना इज नॉट सजा, इट इज मजा। अब आते हैं नूडल्स पे। वही आटा है, देखिए क्या खूबसूरत ढल गया है। क्यों? क्योंकि आपने वक्त दिया है ना। जिंदगी में भलाई और आटे में ढलाई बहुत जरूरी है। लुक एट दिस, सो प्लाइबल, सो नाइस। अब दो तरीके हो सकते हैं, या तो सिंपल आप बोलें कौन बनाएगा नूडल और हाथ से ही बना के सीधा सूप के अंदर डाल दीजिए, जैसे हमारी दादियां सेवियां बनाती थी ना घर पे, वैसे। ये बेस्ट पता है कैसे बनती है? ये सेवई बेस्ट जो है वो सेवई बनती है ऐसे। आई नो आउट ऑफ सिलेबस है, बट मैंने कहा आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, घड़े को उल्टा करिए और उसके ऊपर बनती है। जिसको जिसको उल्टे घड़े की सेवई याद है नीचे कमेंट में ज़रूर लिखिए। सबकी दादियाँ बनाती थी, हमारी दादी भी बनाती थी एक टाइम पे। और उसके बाद सरकंडे होते हैं ना, सरकंडे, सरकंडों के ऊपर ऐसे डाल देती थी सूखने के लिए। जस्ट फॉर नॉस्टैल्जिया सेक मैंने कर दिया, बट फॉर्मूला देखिए आपको दिखा दिया मैंने सेवई बनाने का। शॉर्ट फॉर्म कंटेंट के दौर में लॉन्ग फॉर्म यादें जिंदा रखने की ये छोटी सी कोशिश। यादों को आप कैसे शॉर्ट फॉर्म करोगे बताओ? हमने बचपन में बड़ा टाइम बताया दादी के साथ, ये सारे दादी वाले जुगाड़ जो है ना हमको अच्छे से याद है। एनीवेज, तो ये हो गया एक तरीका नूडल बनाने का। दूसरा सिंपल तरीका, जितना पतला बेल सकते हैं बेल लीजिए। और अननेसेसरी सूखा आटा मैदा डालने की जरूरत नहीं है। अगर डो अच्छा बंधा होगा ना तो अपने आप फैलेगा। जबरदस्ती आटा मैदा सूखा मत डालिए। वो जो हल्का सा तेल डाला जाता है डो में, उसका मकसद ही ये होता है कि डो को इतना मुलायम कर दे कि डो चिपके ना। अगर आप अंडा खाते हैं तो नूडल गूंथते समय उसके अंदर अंडा डाल लीजिए। और जैसा मैंने कहा, अगर आपका डो अच्छा बना है तो आपकी नूडल चिपकेगी नहीं। ये देखिए, अगर आपको डर लग रहा है कि नूडल चिपक जाएगी तो आप उसको फोल्ड करने से पहले सूखा आटा या सूखा मैदा उसमें लगा सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। मैं ये सोच रहा था कि क्या मिस कर रहा हूँ, तभी आप पेस्ट ले आए। धीरे धीरे एक तरफ पहले पेस्ट को भूनने के लिए लगा देते हैं। काम प्लान करते रहो ना तो ज़िंदगी थोड़ी आसान रहती है, बाकी गॉड इज़ ग्रेट। ऑयल, थोड़ा ऑयल उसके अंदर है, थोड़ा ऑयल और। ये जो पेस्ट है ना, इसको आप भून के रख सकते हैं। कच्चा रखेंगे तो स्मेल मार जाएगा, उसके अंदर प्याज याद है ना। इसको आप भून लीजिए सारा एक साथ, उसके बाद रख लीजिए फ्रिज में। कम से कम नहीं तो 15 दिन खराब नहीं होगा, हमारी गारंटी। आप चाहे उसको बॉटल करके बेचिए, थुकपा पेस्ट, एड टू वाटर एंड मेक थुकपा। अब आप चाहें तो इसके अंदर थोड़ी हल्दी डाल सकते हैं तो हल्का सा येलोइश हो जाएगा थुकपा। अगर आप चाहें तो टमाटर ना डालें, हरी मिर्च डाल दें तो थोड़ा सा ग्रीनिश हो जाएगा थुकपा, आपकी चॉइस है। बट ये जो थुकपा पेस्ट है, एक बार आपने सीख लिया तो सिक्किमी स्टाइल थुकपा बनाना ईजी हो जाएगा आपके लिए। अब अगर आप लद्दाख में चले जाएंगे या हायर ऑल्टीट्यूड में चले जाएंगे तो वहाँ पर आटा मैदा इतना कॉमन नहीं है, गेहूँ उगता नहीं है ना, वहाँ पर कुट्टू उगता है और बारले यानी कि जौ उगता है। तो ज़्यादातर जगहों पे मॉनेस्ट्रीज में खास तौर से अपनी उगाई हुई जौ या अपनी उगाए हुए कुट्टू से नूडल्स और डम्पलिंग्स बनाए जाते हैं। मेरी ज़िंदगी का बेस्ट कुट्टू यानी कि बेस्ट बकवीट मैंने रशिया में नहीं खाया, हिंदुस्तान में खाया है। एक छोटा सा गाँव था तुरतुक, द बेस्ट बकवीट एवर। कभी आप ट्रैवल करें तो तुरतुक ज़रूर जाइए। हिंदुस्तान का आखिरी गांव है ऑन द लाइन ऑफ कंट्रोल, एग्जैक्टली ऑन द लाइन ऑफ कंट्रोल। 1971 तक वो पाकिस्तान का हिस्सा था, बाल्टिस्तान का। अब वो हमारा हिस्सा है। और क्या एप्रिकॉट्स उगते हैं वहाँ पे, क्या वॉलनट्स उगते हैं और क्या कुट्टू उगता है। मज़ा आ गया साहब। अब देखिए, अब क्या रह गया, सब्जी काटनी रह गई। सब्जी जो आपका मन करे, यहाँ पे मशरूम है मेरे पास, ऑप्शनल है, डालना है डालिए, नहीं डालना मत डालिए। लेकिन दो तीन सब्जियां बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे हिसाब से, गाजर और कैबेज। रूट वेजिटेबल्स में एक फ्लेवर होता है जो कि बड़े अच्छे से जाता है सूप्स के साथ, राइट? तो इसलिए गाजर जानी चाहिए। और कैबेज जो है वो हमको आदत पड़ गई है थुकपा में कैबेज की। और दूसरा, पहाड़ों पे उगती भी आसानी से। कुछ लोग थुकपा में आलू भी डालते हैं। अगर आप चले जाएं लद्दाख में, कुछ जगह थुकपा में आलू या कंद भी पड़ता है, बिकॉज पहाड़ों पे आलू जो है वो उग जाता है आसानी से। बट एनी टाइम यू आर मेकिंग अ ब्रॉथ ना, ऑलवेज रिमेंबर द रियल फ्लेवर इज रूट वेजिटेबल।
बेसिकली जो इम्पॉर्टेंट सब्जियां हैं जैसा मैंने बोला वो है गाजर और कैबेज, बाकी सब तो ऑर्नामेंट्स हैं, मतलब गहने हैं उसको और सुंदर दिखाने के लिए। यहाँ प्योर पंजाबी में बोले तो लाली पाउडर है। मेन सब्जी हो गई थुक्पा की। और दूसरी चीज़ आप ये समझ लीजिए, थुक्पा कभी भी ऐसे नहीं बनता कि छोटा सा बोल बना लिया। इट हैज़ टू बी हार्टी एंड हेल्दी, मतलब आज शाम को डिनर नहीं करेंगे, या फिर बाहर बारिश हो रही है आज 6 बजे जो है शाम को बढ़िया बारिश में एकदम थुक्पा पीते हैं, तो सारा परिवार जो है वो एक साथ थुक्पा पीता है, तो वो वाला माहौल बनता है थुक्पे से। आपको लग रहा है सब्जी ज़्यादा है, सब्जी पानी छोड़ेगी अभी। अभी ये जो अपना थुक्पा पेस्ट है इसमें सब्जी का माहौल धीरे धीरे बनने दो। ये नूडल अगर आप डाल रहे हैं तो उसको पहले से उबाल के डालें, उससे जो ऑफ फ्लेवर्स होते हैं ना पैक नूडल के वो निकल जाएंगे और क्लीन फ्लेवर्स आपको मिलेंगे, एक अच्छा क्लीन स्लर्पी टेक्सचर मिलेगा। लेकिन अगर आप ये वाली नूडल नहीं डाल रहे हैं और हमारी हैंडमेड नूडल डाल रहे हैं तो उसको सीधा सूप में डालें, ठीक है जी। मैं दोनों डाल देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए कि दोनों को हैंडल कैसे करना है, नमक और नूडल। अभी देखिए यहाँ पर इम्पॉर्टेंट क्या है, सब्जी को ओवर कुक नहीं करना है। सब्जी ने हल्का सा पानी छोड़ा, दैट इज़ मोर देन इनफ, सब्जी का हलवा बन जाएगा नहीं तो, ठीक है। इसके बाद गैस करी स्लो। और ये मेरे पास वेजिटेबल स्टॉक है, वेजिटेबल स्टॉक यानी कि गाजर के जो डंठल हैं, गोभी के डंठल, कैबेज के डंठल, जो भी डंठल बचते हैं, मशरूम की डंडी, वो सब डाल के थोड़ी काली मिर्च डालें, साबुत काली मिर्च, थोड़ा सा तेज पत्ता डालें और पानी के साथ उसको धीरे 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 उबाल लें, कम से कम 45 मिनट। उबालने के बाद छान दें, जो भी आपकी बची हुई सब्जी के छिलके डंडियां हैं उन सब के एक्सट्रैक्ट को वेजिटेबल स्टॉक कह देते हैं, ठीक है जी। ये मैं देखिए मैं लाया हूँ आपको शो ऑफ करने के लिए अपनी किचन चॉपस्टिक्स, अगर नहीं है तो आप चम्मच यूज़ कर सकते हैं, कांटा यूज़ कर सकते हैं, कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। बाकी मैंने कहा थोड़ा शो ऑफ कर लेते हैं अपनी नई किचन चॉपस्टिक्स के साथ। अरे इतना ड्रामा करने की ज़रूरत नहीं है, अगर आप चाहें तो छन्नी भी यूज़ कर सकते हैं, मैं तो अपनी किचन चॉपस्टिक्स के पैसे वसूल कर रहा हूँ और थोड़ा शो ऑफ कर रहा हूँ। ये लो जी नूडल उबल गई, हल्का सा ऑयल डाला। और ये दो किस्म की नूडल हमारे सामने है, रेडी टू गो इनटू द थुक्पा, एक है रेडीमेड एक है सेल्फ मेड। अब इसकी गार्निश के लिए ना एक ऑयल बना लेते हैं फटाफट, गार्लिक, सेसमी उर्फ तिल और चिली फ्लेक्स। और इसमें एक चीट कर सकते हैं, किसी को बताइएगा मत, थोड़ा सा डाल सकते हैं सोया सॉस। तेल हो गया है रेडी, गैस करो बंद। ये जला नहीं है, सोया सॉस की वजह से वो कलर आया हुआ इसके ऊपर। डन है जी। अब जो है नूडल डालते हैं सूप में, ये गई नूडल जो अब पोच होगी सूप में। अगर आप क्लासिकली कभी किसी मॉनेस्ट्री में जाएंगे या पहाड़ों में जब खाएंगे, लद्दाख में, अरुणाचल में या ऊपर पहाड़ों में, वहाँ पर थुक्पे या कलर कभी भी, उसके ऊपर हरियाली कभी नहीं होगी, क्योंकि हरियाली बड़ी मुश्किल से मिलती है ना। मेन चीज़ है रूट वेजिटेबल, और एक वो जो डर्टी रेड कलर होता है ना, दैट इज़ अ गुड कलर फॉर थुक्पा। ये ऑप्शनल है बट मैं थोड़ा सा सिरका डालता हूँ थुक्पा में, खटास जो बढ़ जाती है ना तो उसका अलग मज़ा है। एक बॉयल दे दीजिए बस, एंड वी डन। लास्ट में थोड़ा तिल का तेल या सेसमी ऑयल, और वो वाला ऑयल भी डाल सकते हैं, बट थोड़ा रॉ सेसमी ऑयल जो है ना उससे गर्मी मिलती है, खासतौर अगर आप मानसून में पी रहे हैं ना इसको, बाहर की बारिश के मज़े ले रहे हैं थुप्पे के साथ, या सर्दियों में पी रहे हैं फॉर दैट मैटर। प्लेटिंग पे आते हैं। ला 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 हर डिश के साथ ना एक गाना अटक जाता है ना। अपनी डिश ढूंढिए, उसके साथ का गाना ढूंढिए, टेस्ट गारंटीड, दैट्स व्हाट इट इज अबाउट फूड ना। यू फाइंड स्मॉल कनेक्शंस दैट मेक यू स्माइल एंड टेस्ट ऑटोमेटिकली कम्स। सब्जियों में कंजूसी नहीं होनी चाहिए। थुक्पा इज सपोज टू बी ईटन,
हाँ खाया जाता है, ये मील है ये, तो इसलिए सब्जियों में कंजूसी नहीं होनी चाहिए। बड़ा वाला देखिए आपका है, बाकी पूरी टीम का है, और अगर आपको टीम में भर्ती होना है तो आ जाइए, लेकिन पहले ही बताए दे रहे हैं कि यहाँ पे तनख्वाह जो है वो खाने के तौर पे मिलती है। चलो जी, बाहर बारिश हो रही है और यहाँ पर थुक्पा पार्टी हो रही है। अगर आपको ये पार्टी ज्वाइन करनी है, आपको पता है क्या करना है, खाने के एवज में काम करना है। नीचे कमेंट्स में वो क्या बोलते हैं उसको, नाम लिख दीजिए, जरा सीवी भेज दीजिए। देखिए जोक सपाट, दो काम ज़रूर करिए, एक तो ये बनाइए ज़रूर, और दूसरा सब्सक्राइब ज़रूर करिए। क्या बना है वो तेल, तो भाई साहब क्या वो सोया सॉस जो डाला है ना रणवीर तूने, और जो तूने बताई है ना सबको ये आइडिया कि थुक्पा पेस्ट बनाओ, भून के रखो, उसके बाद बस पानी या स्टॉक डालो और थुक्पा तैयार, मतलब जीनियस है तू रणवीर, यू आउटस्टैंडिंग मैन, कहाँ से इतना दिमाग चलाता है, वाह भाई वाह। बाकी सबको खिला देता हूँ मैं, यहीं पे बुक्कों की तरह खा रहा हूँ। ओके जी, थैंक यू वेरी मच, प्लीज़ डू सब्सक्राइब।